नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बताया था अमीबा में, हाइड्रा में और आपके जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो पांच टाइप से होता है, ऐसा आपको बताया था। नंबर वन बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बहुत कॉमन मेथड है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फंगी, जो ब्रेड की जो फंगी होती है, इसको ब्रेड माउल्ड राइजोपस कहते हैं, उसमें स्पोर्स बनते हैं और वो जर्मिनेट होकर के एक नए प्लांट को जन्म देते हैं, एक नई फंगी को जन्म देते हैं। और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया है जो स्पोर फॉर्मेशन करके जर्मिनेट होते हैं। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर द एसेक्सुअल वेजिटेटिव यूनिट एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। तो अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी, तो आपको एक फंगी जिसको राइजोपस कहते हैं, तो अगर फंगी की हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ कुछ इस तरीके से फंगी की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इसके राइजोपस हैं और ये स्टेम बन जाता है और यहां पर ये एक स्ट्रक्चर और बना देती है जिस इसको इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो ये कहलाता है स्टेम और ये कहलाते हैं हाइफी और ये हो गए स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है स्पोर्स क्या होते हैं। अगर हम एक स्पोर्स की स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्पोर हो गया। स्पोर इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच हैज अ कवरिंग, हार्ड कवरिंग विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। और ये स्पोर्स जो है जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नई फंगल हाइफी बनाते हैं। तो ब्रेड माउल्ड या राइजोपस या म्यूकर, ये जो जर्मिनेट करते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम एंड द स्पोरेंजियम बस्ट एंड द स्पोर स्प्रेड इन द एनवायरमेंट एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल दे जर्मिनेट टू गिव न्यू फंगल हाइफी। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने आपको बना दिया, ये स्पाइरोगायरा है। और ये स्पाइरोगायरा क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये इसके फ्रेगमेंट बन गए स्पाइरोगायरा के, ये इसके फ्रेगमेंट बन गए। दो फ्रेगमेंट आप देख रहे हैं यहां पर स्पाइरोगायरा के। तो अब जब कंडीशन दो फ्रेगमेंट की हो गई और ये कुछ दिनों के बाद एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंप्लीट स्पाइरोगायरा इनका बन जाता है। तो आप देख रहे हैं सिंगल पेरेंट सेल से मेनी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई बाइनरी फिशन भी तो ऐसे ही होता है, सिंगल पेरेंट से दो बन जाते हैं। लेकिन यहां डिफरेंस है, क्योंकि बाइनरी फिशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और ये मल्टीसेलुलर में होता है, पहला डिफरेंस तो ये है। बाइनरी फिशन में जो डॉटर अमीबा बनता है वो इक्वल साइज का बनता है, इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो इक्वल साइज के नहीं होते हैं और कुछ दिन बाद ये कंप्लीट होते हैं, जबकि डॉटर सेल्स कंप्लीट डेवलप्ड डॉटर अमीबी होते हैं, डॉटर अमीबा होते हैं। तो ये डिफरेंस है।
अब बच्चों हमारा लास्ट जो है वो है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन हाइड्रा में होता है, रीजनरेशन सबसे कॉमन जो है वो प्लेनेरिया में है, एक सिंपल वॉर्म है प्लेनेरिया, उस प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। एक्सीडेंटली क्या होता है, प्लेनेरिया जब उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है तो हर एक कटा हुआ हिस्सा एक नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, ये एक प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया जब किसी वजह से एक्सीडेंटल वे में ये डैमेज हो जाती है, कट जाती है, तो हर कटा हुआ हिस्सा एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नया प्लेनेरिया बन गया और ये एक नया प्लेनेरिया बन गया और एक नया प्लेनेरिया बन गया। एक बार फिर सुन लीजिए, जो भी डैमेज पार्ट होता है वो डैमेज पार्ट एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब पार्ट एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है तो एक तो प्लेनेरिया में होता है, एक स्पंज में भी बहुत कॉमन होता है रीजनरेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रीजनरेशन हो जाता है। जैसे अगर आपके कोई चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद उसका घाव भर जाता है, तो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। रावण में बहुत अच्छा रीजनरेशन था, उसके सर के सर दस के दसों सिर जम जाते थे, रामचंद्र जी परेशान थे, धनुष चलाते थे लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती थी, तो वो रीजनरेटिव सेल्स उसके अंदर होती हैं, बायोलॉजी के हिसाब से होंगी जो रीजनरेट कर जाती हैं। छिपकली की पूंछ कट जाती है बच्चों, छिपकली को जरा सा डंडा दिखाओ टप टप करो तो पूंछ छोड़ के भाग जाती है और लोग समझते हैं कि यही, या उसका शिकार समझता है कि यही छिपकली है, उस पर अटैक करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पास रीजनरेटिव सेल्स होती हैं और वो जर्मिनेट होकर एक नई छिपकली में कन्वर्ट हो जाती है। तो रीजनरेशन वैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लेनेरिया में और स्पंजेस में बहुत कॉमन है। तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही आराम से सुना।